हाउ टू चूज अ बोल फॉर क्लाउड लोडस। ऐसा बोल बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसका विड्थ क्लाउड के विड्थ से छोटा हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ठीक से क्लाउड बैठ नहीं रहे बिकॉज क्लाउड काफी बड़ा है बोल के लिए। ऐसा बोल भी नहीं लेना है जिसमें क्लाउड रखते ही वो वॉबल करने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है साइड से जिसमें से हीट एस्केप हो जाएगा। ऐसा बोल भी नहीं लेना है जिसका मिडल स्पायर इतना ऊपर हो कि क्लाउड के बॉल उस पर वॉबल करने लगे, इसमें से भी आपका क्लाउड ठीक से बैठेगा नहीं और हीट एस्केप हो जाएगा। ऐसे भी कुछ कुछ बोल्स होते हैं जिसका रिम राउंडेड होता है, उस पर भी कभी कभी क्लाउड बैठ जाता है बट एग्जैक्टली टाइट सील नहीं होता जिससे बहुत ही थोड़ा बहुत हीट एस्केप हो सकता है। क्लाउड के बेस के रिम को देख लीजिए साइड का, ये वाला जो अंदर का रिम है ये बहुत अच्छी तरीके से आपके बोल के अंदर फिट होना चाहिए। इवन दो ये वाला बोल देख लीजिए इसमें राउंडेड एजेस है बट फिर भी बहुत अच्छी तरह से अंदर फिट हुआ है और देखिए हिलाने पे भी बिल्कुल नहीं गिर रहा है, दिस इज अ टाइट सील। कुछ कुछ ऐसे फ्लैट रिम बोल होते हैं जो क्लाउड के इनर रिंग को बहुत अच्छी तरह से अंदर संभाल लेते हैं, देखिए हिलाने पे भी नहीं हिल रहे और बाहर से बहुत अच्छा टाइट सील है जिससे हीट बहुत अच्छी तरह से अंदर रहता है। ऐसे भी बोल्स होते हैं जो बिल्कुल भी क्लाउड को फिट नहीं करते, ऐसे बोलते बिल्कुल मत लीजिए बिकॉज ये इनका होल ही अलाइनमेंट नहीं होता इनके रिम से। कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे फ्लैट रिम बोल होते हैं जो क्लाउड को बाहर से बहुत अच्छी तरह से सील करते हैं, हीट को बिल्कुल भी एस्केप नहीं होने देते। क्लाउड सपोर्टेड बोल्स होते हैं जिनमें जगह होता है क्लाउड को अच्छी तरह से बिठा के रखने का और ये तो अच्छा काम करते ही है क्लाउड में।